कितना सुंदर है, देख रही है? अभी तो बहुत दिख रहा है, उल्टा आपको देख लूंगी। अच्छा आइए तो पहले। हां हमें वहाँ जाना है। अरे वो कितने हैं ना? ये देखो जी झील और एक आपको पुल दिखा रहा हूँ कितना प्यारा। झील में मगरमच्छ है, झील के पानी में उतरना सख्त मना है। दिखाइए उसका नाम है माउटा लेक, यहाँ तो बंद है बस बाहर से देख सकते हैं। पहले से विजिट करेंगे आपको? नहीं देखो हाथी की दूर तो भीड़ बहुत मिलेगी। इसमें हाथी का तो महावत है खाली 35 नंबर का है। टेक्सटाइल एंड पेंटिंग पेंटिंग राजस्थली टेक्सटाइल्स एंड पेंटिंग्स। ये छोटी छोटी दुकान है जी, देखो इतने अमेर के किले पर चढ़ने चढ़ने में हमें सांस चढ़ लिया गाड़ी से भी, हमें 1.5 घंटा होने वाला है एक जगह ही। जरा जरा सा सरक रहे हैं ये, यहाँ पे इन्होंने रास्ते में ही किले के किनारे से इन्होंने बाजार लगा रखा अपना छोटा सा। चलिए तो और ये है ना। हाँ चल पड़े इसका भी ताजमहल देखते हैं। बेहतरीन चढ़ रही है, नहीं है पार्किंग ना, मंदिर है ये कोई भगवान जी का मंदिर। अब लगभग हम किले के गेट पे पहुंचने वाले हैं लगभग 1.5 घंटे बाद, अब उम्मीद जगी है। आखिर 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हम लोग आमेर के किले में एंट्री पा के ऊपर जा रहे हैं। मस्त वाली चढ़ाई है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो रहा है। हाँ मस्त वाली चढ़ाई है। पता नहीं फोन करके देखो, ऊपर जाके सांस बनेगा ना जब तक। नहीं जी नहीं नहीं धन्यवाद। मैं भारत भगे आए हैं अभी हमें सांस चढ़ रहा है, यो भी बोल के मम्मी यहाँ ले लेंगे। सारी पब्लिक के आने की वजह से ही यहाँ जाम है, पूरी भीड़ है मजेदार और चढ़ाई भी मस्त। मम्मी जी और साथ में कहीं गायब हो गए हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं हम पहले। उन्हें ढूंढने के बाद आगे घूमना शुरू करेंगे। मम्मी जी और साथ में कहीं गायब हो गए हैं, वे मिल नहीं रहे, वो हमें उठा नहीं रहे। भारतीय पर्यटक शुरू पे स्टूडेंट्स के दर्शन पर एक तरह प्रवेश वाईफाई से जो भी लगेंगे दो लगेंगे। दोस्तों देखो पब्लिक कितनी पागल है, कितनी फुर्सत में है, मुझे दे दियो। सबसे बड़ी बात है इंडियन तो है ही है, यहाँ फॉरनर इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। कबूतर यहाँ भी है अपने, मैं दिखाता हूँ आपको, पत्थर दिखा देता हूँ किस नाम से है, दीवाने आम के नाम से है। चलो
यहाँ पीछे बाद में घूम करके एक बार पढ़ लें बाद में। और यो मैं निकल गई गर्मी की वजह से। इतनी तकड़ी गर्मी है, मस्त वाली गर्मी है। ये केसर का बाग है, ये केसर का बाग है। यहाँ पर राजा साहब अपने उसमें से केसर तोड़ के लेके जाए करिए अपने बेगमों के लिए। देखो पता नहीं केसर बच रही है नहीं तो हम भी लेके चलते हैं। ठीक है ये राजा साहब का बाथरूम है, इसमें गर्म पानी करे करे और नहाने का। अब मैं आपको रानी साहिबा का बाथटब दिखाता हूँ। यहाँ गर्म पानी और ठंडे पानी की व्यवस्था रही इसमें। तेरी रानी साहिबा के बाथरूम में घुस गए हैं। जयसिंह जी को पता अगर लगेगा तो कत्लेआम मचा देंगे। इनका बाथरूम है, यहाँ फोटोग्राफी हो रही है। अच्छा ये है ठंडे और गर्म पानी के, इसमें ये गर्म पानी का है, ये कढ़ाई है, इसमें इसमें गर्म पानी होता होगा उस समय, होता होगा क्या गर्म पानी के बोलो उस समय, इसमें पानी गर्म करे कर रहे हैं और इसमें ठंडा। पाइप है इसके, ये पाइप है और नाली की जगह की वाली, और चारों तरफ इसमें ये नाली बनी है। नाली में से निकल के रहेगा इस तरफ से पानी बाहर। तो क्या सेटिंग रही होगी उस समय उत्तरी रानी साहिबा का बाथटब है, जिसमें भी स्नान करते हैं। और ये इसमें पाइप है ठंडे और गर्म पानी। आप इसे ढंग से देखें, ये इनके साबुन रखने के हैं शायद, मुझे लग रहा उपटन उस समय तो साबुन नहीं रहती होगी, उपटन की व्यवस्था रही होगी तो उपटन रखने के होंगे। देखो कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं ये उनके पखाने हैं। ओहो हो कहाँ कहाँ घूमना पड़ रहा है ब्लॉग बनाने के चक्कर में, और आप मेरे ब्लॉग में लाइक तक नहीं करते, कमेंट तक नहीं करते, मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। देखो आप अंदर उसके लेफ्ट पे गए हो, अब चलते हैं जी शीश महल। आपने रानी साहिबा का स्नान घर शौचालय उचालय सब देख लिया, अब आपको शीश महल और दिखाते हैं। कहाँ ये वाला ये तो शीश महल है, जिसमें मुगले आजम का गाना गाने की शूटिंग करी गई, प्यार किया तो डरना क्या। हम इसे मैडम को वहाँ ढूंढ रहे हैं, अरे यहाँ घूम रही है। दीवानी खास यहाँ उस गाने की शूटिंग हुई, प्यार किया तो डरना क्या।
हाथ लगाओ पत्थर कितना प्यारा है स्पेशल है अच्छा दोनों ही गाड़ी ले रहे हैं वो तो चलाने वाला है ही एक्सपर्ट ये पूरा गांव बसा हुआ है शायद आमेर ही है इसका नाम भी जब आमेर का किला यहाँ है तो आमेर गांव ही होगा ये और इसमें ऊपर भी किला है शिकंजी हो जावे बाकी शिकंजी पी रही है क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है ले ले एक बार शियर देखो जी आपको दिखाता हूँ मैं हुक्का कापे के मतलब की चीज हाँ छोटे छोटे हुक्के नींबू पानी नींबू सुगंधी नींबू पानी नींबू सुगंधी आगे पार्किंग में जगह खाली होगी तो ये गाड़ी आगे छोड़ेंगे नहीं तो ये नहीं छोड़ते ये बाबूजी खड़े हैं और आगे हैं मम्मी जी साथ में याद है आपको भैया के पास सामान रख के गए खरीद के इसी वजह से याद है अच्छा छोड़ जावे ये टोपी कितने कितने की है 100-150-200 यही सीजन में गाजर का हलवा खा रहे हैं है? जब लोगों को गाजर की सब्जी नहीं मिल रही हीरा हीरा में भैया एक सेकंड रुक जाओ घुटने में दिक्कत है बस आराम आराम पे हमने जंग ओ क्या कब प्राप्त चलूं थोड़ा हाँ आमेर के किले पे हमने फतेह हासिल कर लिए जी और अब हम बाहर निकलेंगे अब हमें इस जाम पे कब्जा करना है भैया फॉर्च्यूनर वाले हमारी जगह लगा लेंगे और हम अब बाहर जाने की कोशिश करेंगे पहले अंदर आने के लिए यहाँ तरसते रहे अब बाहर जाओ जब भी तो कहता हूँ
देखिए वहाँ, देखो भाई वहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं उसमें। मम्मी इसकी तरफ देखो वहाँ ऊपर दिखा दिए। ये मम्मी जी तक का कर्मचारी होकर रह रहे घर, जो राजा के कर्मचारी रह रहे हैं उसके। हाँ जैसे सरकारी नौकरी और जो बहुत अफसर है उसके लिए भी अच्छी हवेली सी, फिर उनके भी नौकर चाकरों के आवास, जैसे मंत्री मंत्रियों के हैं ये है। कितना प्यारा मंदिर, अभी रास्ता का इसमें आने और जाने दोनों मिलेंगे।